आज एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम करेंगे रैली। आज एमपी में दो रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज वाराणसी जाएंगे अमित शाह, पीएम के संसदीय कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। आज वाराणसी में रोड शो करेंगे अमित शाह, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली, बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए करेंगे प्रचार। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा, भागलपुर मधुबनी में चुनावी जनसभा। आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे कंगना रनौत, जैसलमेर और बाड़मेर में करेंगे रोड शो। आज हैदराबाद से नामांकन दाखिल कर सकती है माधवी लता, हैदराबाद में 13 मई को होना है मतदान। राजस्थान के टोंक से पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। टोंक में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा यह सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं रिजर्वेशन। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा मेरी मां और ओबीसी समाज को दी जा रही है गाली। अमरोहा में बोले सीएम योगी, देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी बोले डकैती की तैयारी कर रही कांग्रेस, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकान गहने बनाए हैं उस पर कांग्रेस की नजर। मेरठ में सीएम योगी ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे हैं वोट। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की सफाई, का मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला जा रहा है। टीवी 9 से बोले अमित शाह, क्या मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान से मुकर सकती है कांग्रेस। बंगाल में गरजे अमित शाह, बोले ममता दीदी की हिम्मत नहीं सीए को हटा सके। सीएम ममता का आरोप, कहा अभिषेक को मारने की कोशिश की गई। केशव मौर्य बोले मुस्लिमों को वोट देना हो तो दे, पर हम सच बोलेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा, 2024 का चुनाव 80 बनाम 20 का है। यूपी बीजेपी का एक्स पर पोस्ट, लिखा कांग्रेस, तुष्टिकरण का एक ही सूत्र, ओढ़ो हिजाब, छीनो मंगलसूत्र। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के पाली में रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के लिए मांगे वोट। बीजेपी ने लद्दाख से सांसद जामयांग नामग्याल का काटा टिकट, ताशी ग्यालशन को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान, कहा अल्पसंख्यकों पर राहुल गांधी का एजेंडा वही जो मनमोहन सिंह का। रीवा में नड्डा ने कहा बीजेपी राज में मध्यप्रदेश में बहुत विकास हुआ, लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा सनातन और हिंदुत्व को कमजोर किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की चेतावनी, पीएम मोदी के लिए अपशब्द बोलने वाले को घर नहीं लौटने दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार, सोलापुर और अमरावती में करेंगे रैलियां, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज वायनाड में प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी, 3 अलग अलग जगहों पर करेंगी पब्लिक मीटिंग। आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी को लेकर खड़गे का जवाब, घोषणा पत्र गरीबों, किसानों और सभी के लिए है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोली मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, मंगलसूत्र पर अनैतिक बात कर रहे हैं पीएम। प्रियंका गांधी बोली 55 साल सत्ता में रहे, किसी का कुछ नहीं छीना, जंग के समय इंदिरा जी ने अपना सोना देश को दिया था। कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन का बीजेपी पर पलटवार, कहा मैनिफेस्टो में संपत्ति बांटने की बात बेतुकी और कोरा झूठ है। कांग्रेस नेता मणिकम्मा टैगोर का दावा, बुरी तरह से राजस्थान और उत्तर भारत में चुनाव हार रही है बीजेपी। पीएम के मंगलसूत्र और मुस्लिम वाले बयान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले मुसलमान कभी किसी बहन का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर और सचिन पायलट ने शुरू किया स्कैन मी कैंपेन, टी शर्ट में शशि थरूर के बारे में जानकारी का QR कोड छपा है। राजस्थान के जालौर में अशोक गहलोत की बहू का अनूठा प्रचार, ट्रैक्टर चलाकर पति वैभव गहलोत के लिए प्रचार किया। शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा जनता अब सब खेल समझ गई है, इसका जवाब देगी। मुर्शिदाबाद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा रामनवमी पर जहां हिंसा हुई वहां चुनाव न कराने पर विचार करे इलेक्शन कमीशन। कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले अधीर रंजन, दीदी के आदेश पर पुलिस की मदद से टीएमसी नेताओं ने हिंसा भड़काई। आज यूपी के उन्नाव में प्रचार करेंगी डिंपल यादव, एसपी प्रत्याशी अनुटंडन के लिए मांगेंगी वोट। बीजेपी पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का प्लेटफार्म, बोले पहले चरण का रुझान आने लगा है, जो चुनाव हारता है वो कुछ भी करता। कन्नौज से समाजवादी पार्टी बदल सकती उम्मीदवार, पार्टी नेताओं का दबाव, खुद चुनाव लड़ सके अखिलेश यादव, कन्नौज से तेज प्रताप है एसपी प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के प्रचार का आज अंतिम दिन है, 26 को 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो जाएगा। पूर्णिया से बीमा भारती के जन समर्थन पर तेजस्वी का धन्यवाद, बोले पूर्णिया ने तय किया बहन बीमा भारती की जीत सुनिश्चित है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी केजरीवाल के समर्थन में आज बनाएंगे ह्यूमन चेन, डॉक्टर्स के साथ ITO के ओवर ब्रिज पर कुलदीप बनाएंगे चेन श्रृंखला।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी ईडी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने चुनौती दी थी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि नतीजे सबको चौंकाने वाले होंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दिया झटका। ईरानी राजदूत ने भारत को बताया समुद्री सुरक्षा का साझेदार। ईरान के ऑपरेशन का नया वीडियो आया सामने। ईरानी कब्जे वाले इलाके से गुजरी मिसाइलें। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने खाई कसम, पड़ोसी देशों के बीच 10 अरब डॉलर तक व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ाएंगे। रईसी ने लाहौर से इसराइल को दी चेतावनी, कहा अगर हमला किया तो इसराइल के पास कुछ नहीं बचेगा। रईसी ने कराची में लोगों को संबोधित किया, भाषण के दौरान सुने गए इसराइल मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका का बड़ा बयान, वेदांत पटेल ने कहा विनाश के वितरकों पर कार्रवाई की गई। इसराइल हमास जंग को लेकर कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालयों में तनाव। हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर हमले किए, ड्रोन हमले के बाद इसराइल में सक्रिय हुआ सुरक्षा तंत्र। जंग के 200 दिन पूरे होने पर तेल अवीव में मार्च। अवदीपका में पकड़े गए जर्मन लिपर टैंक को मरम्मत के लिए ले गए रूसी सैनिक। यूक्रेन के लिए 1 अरब डॉलर का पैकेज तैयार कर रहा अमेरिका। आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक मौतों का विरोध, यरेवन में निकाला गया मशाल मार्च। अर्जेंटीना में शिक्षा के बजट में कटौती का विरोध, सरकार के खिलाफ ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर प्रोटेस्ट। दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कनाडा पहुंचे कई देशों के प्रतिनिधि। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रूस और कजाकिस्तान में बाढ़, कई गांव से संपर्क टूटा। केन्या में बाढ़ से भारी तबाही, कई लोग विस्थापित हुए। ग्रीस में धूल भरी आंधी के बाद लाल हुआ पूरा वातावरण, धूल भरी आंधी से सूरज की रोशनी भी मध्यम हो गई। इजरायली सरकार और सेना की विफलता के खिलाफ आक्रोश, सैन्य खुफिया प्रमुख के इस्तीफे के बाद नए प्रमुख की तलाश। ईंधन ले जा रहा विमान अमेरिका के अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, विमान में 2 लोग सवार थे। इंग्लिश चैनल में बड़ा नाव हादसा हो गया, यूके जा रहे शरणार्थियों से भरी थी नाव। नागपुर के टॉली चाय के मुरीद हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। सरहुल्ला शोभा यात्रा में शामिल हुए खूंटी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, ढोल बजाकर सरहुल की बधाई दी। रामनामी संप्रदाय की लक्ष्मी साहू ने बनाई मोदी की तस्वीर, मोदी ने तस्वीर के पीछे नाम पता लिखकर मांगा, कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा। AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ऐलान, चुनाव जीतने पर बंद मदरसों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट पर बोले SP नेता अफसल अंसारी, गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है सरकार। हनुमान चालीसा पाठ के बाद बोले वीरेंद्र सचदेवा, आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब नीति क्यों बदली, जवाब नहीं दिया गया। मेयर चुनाव में वोटिंग के लिए 14 विधायक मनोनीत किए गए, 26 अप्रैल को प्रस्तावित महापौर के चुनाव में करेंगे मतदान। हुबली के धारवाड़ में छात्रा की हत्या के मामले में APVP का जोरदार प्रोटेस्ट, कार्यकर्ताओं ने आरोपी की फांसी की मांग की। हुबली में नेहा की हत्या के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट, केंद्रीय मंत्री शोभा करंथ लाजवे शामिल। हुबली में दिवंगत नेहा हिरेमत को हाथों में कैंडल लेकर श्रद्धांजलि दी गई, बीजेपी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। दिल्ली में आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा, मालवीय नगर इलाके में गिरी दीवार, 8 घायल। भुवनेश्वर में मध्य प्रदेश के ईरानी गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों पर 11 मामले दर्ज। केरल में गिरफ्तार हुआ बिहार का रॉबिनहुड चोर, 6 राज्यों में 19 चोरी को अंजाम दे चुका है। भटिंडा की उड़िया कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, 2 बच्चों की मौत। रायगढ़ की परफ्यूम कंपनी की गोडाउन में लगी भीषण आग, आग की लपटों से इलाके में दहशत। दरभंगा के वासुदेवपुर में अपार्टमेंट में लगी आग, धुआं भरने से कई लोग फंसे। हावड़ा की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। हावड़ा की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। DRDO ने बनाया देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, सैनिकों को गोला बारूद से सुरक्षा देने में जैकेट सक्षम। राजौरी हत्याकांड में लश्कर से जुड़े आतंकी, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में मुंबई क्राइम ब्रांच एक्शन। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम हुआ सुहाना। नोएडा में भी बदला मौसम का मिजाज, दिन में छाया अंधेरा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सालंगपुर धाम पहुंचे, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। अयोध्या में हनुमान जयंती पर सरयू घाट पर की गई विशेष आरती। हनुमान जयंती पर ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुई राष्ट्रपति, हनुमान घाट पर द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना। डीप फेक वीडियो मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने दर्ज कराई FIR। लखनऊ में ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया, ऋतुराज के शतक पर भारी पड़ी स्टोइनिस की 124 रनों की पारी।
आईपीएल में आज दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला। पिछले मैच में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से दी थी शिकस्त।